5:45 पे हमारी ट्रेन है, अभी 5:15 हुआ है। ये देखो मौसम ही खराब हो रही है भाई, खराब हो जाएगी वो एक आध दिन में, आज खत्म कर दो नहीं कल तक खराब हो जाएगी सारी। ये वाली हमारी ट्रेन, ये इधर सारी माल गाड़ियां हैं, सीधा जाना हमें सामने। लेक वैकाल देखने का बड़ा मन कर रहा है। क्या यार तुम्हें कोच का नहीं पता? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। अभी मैं हूँ रशिया का एक शहर है निरोंगरी। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, हम लोग याकूत जो की दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी है वहाँ से आ गए थे निरोंगरी ट्रेन लेके। और कल हमारी यहाँ से ट्रेन है निरोंगरी से ओम्स्क। ओम्स्क रशिया का एक शहर है छोटा सा जो कि कजाकिस्तान बॉर्डर के पास में पड़ता है। और यहाँ से जो ट्रेन जर्नी होने वाली है हमारी, वो होने वाली है 4 दिन और 3 रात का। ये मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी होने वाली है। ये हमें 4 दिन के लिए खाना पीना खरीदना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक सुपरमार्केट में, वहाँ से 4 दिन का राशन पानी खरीदेंगे। और भाई बहुत लंबी ट्रेन जर्नी होने वाली है, मज़ा आएगा, आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये ट्रेन जर्नी आधी तो होगी नॉर्मल ट्रैक पे और आधी होगी ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे ट्रैक है उस पे। सबसे पहले हम लोग सुपरमार्केट चलते हैं और फिर बाकी बातें उसके बाद। ये यहाँ पे देखो कुछ स्टूडेंट आए हैं अभी मॉर्निंग में। यहाँ पे हम लोग आए एक सुपरमार्केट में, इस सुपरमार्केट से हमें सामान खरीदना है। उम्मा और तन में अंदर है और बाहर देख लो अभी ऐसे नज़ारे हैं। अभी यहाँ पे सुबह का 12:30 है, इंडिया से हम लोग 3.5 घंटे आ गए हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी 9:00 है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर है वो है 36 डिग्री सेल्सियस। अंदर चलते हैं, सामान परचेज करते हैं। काफी बड़ा सुपरमार्केट है भाई साहब। क्या क्या खरीद रहे हो आप लोग? देखो 4 दिन का राशन पानी खरीदते हैं और फिर आप लोगों को प्राइसेज भी बताते जाऊंगा क्या क्या प्राइसेज है। ट्रेन में है जो बस नूडल खा के काम चलाना पड़ेगा, वहाँ पे गर्म पानी मिल जाता है तो बस नूडल्स में गर्म पानी डालो और खाते जाओ। ट्रेन में कोल्ड वाटर नॉर्मल वाटर नहीं मिलता है, ट्रेन में केवल हॉट वाटर मिलता है। तो मुझे लगता है पानी भी हमें ले ही लेना चाहिए यहाँ से। पानी इतना महंगा क्यों? ये देखो एक 1.5 लीटर का बोतल है वो है 104 रूबल। 104 रूबल हो गए 100 इंडियन रुपीज के लगभग। 1.5 लीटर पानी 100 इंडियन रुपीज में मिलता है यहाँ पे। यहाँ से इतना सारा सामान खरीद लिया 4 दिन के लिए, हमें नहीं पता सफिशेंट होगा या नहीं होगा। ओट्स ले लिए, नूडल्स ले लिए, 2 5-5 लीटर पानी का बोतल ले लिया। क्या बात है, नूडल्स के पैकेट बहुत हो गए भाई। जो टोटल प्राइस बना वो बना 2826 रूबल, 2826 इंडियन रुपीज ही मान लो। सुपरमार्केट से जो सामान खरीदना था वो सामान परचेज कर लिए हैं। अब हमें परचेज करना है कुछ फ्रूट्स, क्योंकि हम रास्ते में खाएंगे नूडल्स, जो भी खाना खाना होगा ना वो केवल हम लोग गर्म पानी में उबाल के खाएंगे। तो फ्रूट्स नहीं होंगे तो भाई हालत खराब हो जाएगी 4 दिन के अंदर। 5 लीटर की पानी की बोतल तन्मय, 5 लीटर की पानी की बोतल उमा और ये मैंने ले लिया। यहाँ पे हम लोग आ गए फ्रूट मार्केट में। फ्रूट रशिया में काफी महंगे हैं भाई। हाय उमा, व्हाट डू यू वांट टू बाय? अरे वो वाला तो अच्छा नहीं, उसमें पानी नहीं है भाई। हाँ छोटा वाला ज्यादा बेटर रहेगा। पक्का? चलो कोई नहीं, जो भी लेना हो ले लो। ड्राई फ्रूट भी मिल जाएगा, अखरोट, ये मिक्स ड्राई फ्रूट, ये मौसमी, एप्पल, बनाना। लेकिन यहाँ पे फ्रूट काफी महंगे हैं। अभी जब पूरा खरीद के और फिर आप लोगों को बताता हूँ प्राइस। 1 किलो मौसमी 640 इंडियन रुपीज की, छोटी वाली मौसमी का प्राइस बता दी। अब केले का प्राइस बताता हूँ। जो केले का गुच्छा है 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 केले हो गए 600 इंडियन रुपीज के। इतने महंगे फ्रूट मिलते हैं यहाँ पे। व्हाट इज दिस? अच्छा टमाटर है। बस मुझे एक ही चीज यहाँ पे सस्ती लगी, वो है यहाँ के एप्पल, 220 रूपए पर केजी एप्पल है यहाँ पे। कलर बड़ी सॉलिड है। कलर सॉलिड है, ऐसा तो नहीं कहीं स्टोर्ड अपने इंडिया की तरह एक एक साल से स्टोर करके रखते हैं, अंदर काट के देखे तो साला पूरा का पूरा अंदर से खराब निकलता है। बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा चोट। और ये बड़ी वाली है ना, ये है 300 रूबल का, तो 300 इंडियन रुपीज का हो जाता है ये भी। 2600 रूबल का हमारा टोटल बिल बना है यहाँ पे, जो भी हम लोगों ने सामान खरीदा है। ज्यादा सामान भी नहीं खरीदा, ये मौसमी हो गई। बनाना
एक किलो एप्पल और एक किलो खीरा। इस सामान का 2600 रूबल हो गया यार, 2600 इंडियन रुपीस देना पड़ा हमें इस छोटे इतने से सामान का। इंडिया में ये सामान आप लोग इजीली 600-700 भी नहीं कहूंगा 500 इंडियन रुपीस में परचेज कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज से अपनी शुरू होने जा रही है 4 दिन की ट्रेन जर्नी। और बाहर जो पहले कपल पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने एक कपल देखा होगा जो हमारी जिन लोगों ने हमारी हेल्प की थी यहाँ पे होटल लेने में, रेस्टोरेंट वगैरह सर्च करने में। अभी देखो यहाँ पे सुबह की बजे हैं 4:30 और वो लोग हमें यहाँ से पिक करने आए यार। आप लोग देखो मतलब ऐसे लोग भी मिलते हैं ट्रेवलिंग में, ट्रेवल जर्नी के दौरान 4:30 बजे अपनी नींद खराब करके बंदे बाहर वेट कर रहे हैं। अभी आए हैं, ज़्यादा देर वेट करते हुए नहीं हुआ, अभी 2 मिनट हुआ उनको आए। लेकिन 4:30 बजे कोई कैसे मतलब अपनी नींद डिस्टर्ब करके और एक अनजान बंदे को पिक करके और उनको रेलवे स्टेशन छोड़ सकता है, है ना। मतलब थोड़ा सा कभी कभार ऐसे सरप्राइजिंग मोमेंट मिलते हैं ट्रेवलिंग में। तो कोई ना, चलो वो वेट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं, फिर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच के बात करेंगे आप लोगों से। ये 4 दिन की ट्रेन जर्नी शुरू हो गई अपनी। 1 तारीख को शाम को हम लोग पहुँचेंगे ओम्स्क और 2 तारीख को हम लोग पहुँचेंगे कजाकिस्तान। शुरू करते हैं ट्रेन जर्नी। पाँच 45 में हमारी ट्रेन है, अभी 5:15 हुआ है। इन लोगों ने आधे घंटे पहले ही बुला लिया था हम लोगों को यार। ये देखो ये काफी भीड़ इकट्ठी हो गई यहाँ पे ट्रेन पे। अभी इन्होंने खोला नहीं डिब्बे को, हमारा 28 नंबर बोगी में है। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। निरोंगरी से इतनी कोई खास ज्यादा भीड़ तो बैठी नहीं है मुझे लगता आगे, और ये ट्रेन भी कोई खास ज्यादा बड़ी नहीं है यार, छोटी ट्रेन है। 1, 2, 3, 4, 5 या 6 डिब्बे है इसमें, ज्यादा डिब्बे भी नहीं है। ये है निरोंगरी का रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन था यहाँ का, कोई ज्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन भी नहीं था। तो चलो चलते हैं, बस इतनी सी भीड़ है, कोई खास ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। अभी सुबह के बजे हैं 11, रात को तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि ठंडी इतनी थी और फिर भाग दौड़ इतनी मची थी कि फटाफट से ट्रेन लेनी थी हमें। तो अभी कुछ खाएंगे, इस सुबह से चले हम लोग कितने 5:45 बजे से, बस 200 किलोमीटर और 11:30 बज गए। 200 किलोमीटर चला यार अभी तक ट्रेन, बहुत स्लो ट्रेन है यार। तन्मय कैसे हो? बढ़िया भाई, लेकिन ये ट्रेन पुराना है, नया नहीं है, मुझे लगा नया हो। तो अभी यहाँ पे खाना पीना चल रहा हमारा। और ये देखो उमा क्या खा रहे हैं, उमा आलू स्मैश। स्मैश आलू, इसको आलू का वो आता है पिसा हुआ आलू आता है मैश पोटेटो, तो उसको ना भाई गर्म पानी डाल के खा रहे हैं। तन्मय ये जूस था, ये केले वगैरह हम लोगों ने खा लिए, उसमें था हमारा नूडल्स। मैंने नहीं दिया, तुम लोगों ने खरीदा था भाई। लिया नहीं, तुमने निकाल के दिया ना वहाँ पे था अंदर में। कोई ना, अब जो है वही खाना पड़ेगा। कल तुम्हारा खाना खत्म हो जाएगा, फिर देखना फिर भगोगे इधर उधर। ऐसी जिंदगी चल रही है भाई ट्रेन में, खाना पीना बहुत सड़ा हुआ खाना पीना खाना पड़ रहा है, नूडल्स। चलो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने कुछ फ्रूट ले आए, और हालांकि पैक जूस होता तो ठीक तो नहीं होता, लेकिन ये काम चल रहा है इससे। और हमारा सारा खाना पीना नीचे पड़ा है, दिखाऊंगा आप लोगों को बाद में। अभी आज है हमारा दूसरा दिन, आज के दिन को निकाल के 2 दिन और 2 रात बाकी है, तो देखते हैं अभी तो बहुत लंबा सफर है। आज हमारा दूसरा दिन है इस ट्रेन जर्नी का, और मैं पहली बार ट्रेन से बाहर निकला हूँ क्योंकि यार ठंडी इतनी थी कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। अभी हम एक जगह यहाँ पे 1.5 घंटे का स्टॉप ओवर है, तो 1.5 घंटे हम लोग कुछ बाहर जाएंगे खाना पीना लाएंगे। अभी यहाँ पे टेम्परेचर है -15°, -16°, पहली बार रशिया में एंटर होने के बाद इतना कम टेम्परेचर देखने को मिला है। -15 तो वैसे लगता है नॉर्मल, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहन रखे, टोपा भी नहीं पहन रखा। जब -60 ओम्यागुंज जाके आ गए तो -15-16 तो आप लोगों को नॉर्मल लगेगा ही लगेगा। और ये रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा है, ये वाली ट्रेन हम लोग जिस ट्रेन में आए थे ना, ये वाली ट्रेन है। हालांकि यहाँ पे स्नोफॉल तो हो रहा है हल्का फुल्का, लेकिन ठंड उतनी ज़्यादा है नहीं, काफ़ी नॉर्मल लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है मेरे को ऐसे टेम्परेचर में घूमने में। स्नोफॉल हो रहा है, हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है। और ये इधर है जो यहाँ की मालगाड़ी खड़ी है, अभी हम जाना है वो वहाँ से ऊपर से चढ़ना है। ये ऊपर आ गए हम लोग, यहाँ का रेलवे स्टेशन देख लो आप लोग, तो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे यार। ये वाली हमारी ट्रेन सेकंड, फर्स्ट सेकंड वाली हमारी गाड़ी है, और ये इधर सारी माल गाड़ियाँ हैं जो भी आप लोगों को दिख रही है। काफी लोग उतर गए यार, 1.5 घंटे का स्टॉप ओवर है यहाँ पे। कितने टाइम का स्टॉप ओवर है पूरा? 1 hour 15 minutes। अभी हम लोग जिस सिटी में है ना, उस सिटी का नाम है
सेवरोल बैकलस्क। बैकलस्क सिटी आप लोगों ने पहले देखी होगी, ये सेवरोल बैकलस्क है, ये डिफरेंट सिटी है। और यहाँ पे सामने यार लेक बैकाल है, डेढ़ घंटे का टाइम है, तो हम लोग सोच रहे हैं लेक बैकाल को घूम के आ जाएं। ये देखो भाई पूरे रेलवे स्टेशन पे स्क्योल्स नो दिखेगा, और ये सामने है सिटी सेवरोल बैकलस्क सिटी। तो चलो एक बार तो हम लोग यार इधर लेक बैकाल को घूम के आ जाते हैं। सारे के सारे लोग उधर ही जा रहे हैं, अपोजिट साइड में कोई नहीं जा रहा, केवल हम कुछ एक लोग हैं जो अपोजिट साइड में जा रहे हैं। सीधा जाना हमें सामने, लेक बैकाल देखने का बड़ा मन कर रहा है। और बहुत सारे लोग तो कमेंट करते थे भाई लेक बैकाल जरूर दिखाना, हालांकि मैं एक बार लेक बैकाल का वीडियो बना चुका। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लेक बैकाल देखने को मिलेगी, शायद जमी हुई होगी पूरी। और यहाँ पे देखो एक और ट्रेन आ रही है। और ये बहुत स्लिपरी होता है यार, यहाँ पे बड़े केयरफुल होके चलना पड़ता है, एक बार फिसले और आपका काम खत्म। क्या मस्त जगह है गाइज, फटाफट चलते हैं, लेट हो जाएंगे। जगह मस्त है, क्या प्यारी जगह है, पूरे पाइन ट्री है यहाँ पे, पूरा जंगल है आगे, फॉरेस्ट। ये लो 5 मिनट में हम लोग लेक बैकाल पहुंच भी गए यार। और देखो जगह देखो, यहाँ पे तो बर्फ में चलने के लिए भाई ये लोग अपना जुगाड़ लेके आते हैं सब। हाउ आर यू, यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आए हुए वैसे। और ये सामने आप लोगों को दिख रहा है यह है लेक बैकाल, यहाँ तो पूरा जमा हुआ है। जब मैं वहाँ पे गया था, ओलहोन आइलैंड गया था, तो वहाँ पे इतना जमा हुआ नहीं था ये। ये देखो हाय हेलो इनका मस्त है भाई, आइस में खेलने के लिए लेके आते हैं लोग। गुड बाय। और ये सामने पूरा आइस जमा है अभी। यहाँ पे वीडियो तो खैर आप लोगों को धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, वेदर है जो पूरा डार्क है, लेकिन जब मैं वहाँ पे था ओलोन आइलैंड पे था ना, वहाँ पे लोग घूमने के लिए बहुत कम आते थे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन सारे लोग ना लोकल लोग ही यहाँ पे जो भी घूमने के लिए आते हैं। ये देखो यहाँ पे समर में बैठने के लिए चेयर लगा रखी है इन लोगों ने। आप लोग यदि लेक बैकाल में जाते हैं नहाने, तो यहाँ पे इन लोगों ने शावर कपड़े चेंज के लिए भी लगा रखे हैं। क्या मस्त जगह, ये झील यहाँ पे जबरदस्त जमी हुई है। आगे चलते हैं हम लोग। ओ तेरी सा क्या बात है, ये देखो कैसे बर्फ में तब्दील हो गई, यहाँ तक आके टकराती थी, अब यह जो पूरा बर्फ में तब्दील हो गया। अरे तेरी सा, ये तो बहुत रिस्की है भाई। साला हड्डी टूट गया। हाँ भाई अबे आजा, दुल्हन चली हो गया। काफ़ी देर हो गई यहाँ पे एंजॉय करते हुए, सही में यार इतना एंजॉय तो वहाँ पे ओलोन आइलैंड था ना, वहाँ भी इतना करीब नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे आधा जमा हुआ था आधा बिना जमा हुआ था, तो आप लोग अंदर तक नहीं जा सकते, हम लोग अंदर तक जाके आए यहाँ पे। क्या मज़ा आया आज। तो कैसे चल रहे भाई, वो गिर यहाँ पे गिर भी जाते हैं, कपड़े सफिशेंट कपड़े पहन के रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्केटिंग के लिए ही बना रखा है स्पेशली, गिर मत जाना। अरे भाई देखो भाई वो बच्चा आएगा भी वहां से, भाई मेरे को तो डर लगता है इसमें। ये देखो ये आ गया। वो कहां तक गया, अब तन में आ रहा है। लेक बैकाल को घूम के हम लोग वापस आ गए। ये सामने रेलवे स्टेशन रहा, ये रोड देखो यार मुझे कितनी मस्त रोड लग रही है, क्या जबरदस्त ब्यूटीफुल रोड है। इधर भी है, और ये आ गया यहाँ का रेलवे स्टेशन। आप लोगों को यदि नाम समझ में नहीं आया होगा तो मैंने बोला था, तो ये है इस रेलवे स्टेशन का नाम। और हम लोग वापस से आ गए रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे जहाँ भी ट्रेन रुकता है तो लोग ना बाहर स्मोकिंग करने के लिए आ जाते हैं, लोग स्मोक बहुत करते हैं। उधर भी देखो काफ़ी सारे लोग, मैक्सिमम लोग तो ना
स्मोकिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग बाहर लेक बैकाल को घूम के आ गए। उमा लेक बैकाल को घूमने नहीं गया क्योंकि उमा को लगी थी जबरदस्त वाली भूख। उमा बहुत सारा सामान लेके आया बाहर। उमा ने ये अच्छा काम किया, भूख तो हमें भी लगी थी लेकिन हमें घूमना था लेक बैकाल। उमा सामान लेने गया और हम लोग लेक बैकाल को घूमने गए। उमा थैंक्स अ लॉट, थैंक यू ब्रदर। ये बहुत मिस कर रहा है भाई। वो जो हमने इसको वीडियो दिखाई ना, आके वीडियो फोटो दिखाई, ये बोल रहा है साला मैंने मिस कर दिया क्योंकि यहाँ से लेक बैकाल बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था। आप लोगों ने देखा पूरा फ्रीज हो रखा था लेक बैकाल का वाटर, और वो फ्रीज इसलिए हो रखा था क्योंकि यहाँ पे जो वाटर वॉल्यूम था ना वो कम था। कंपेयर करूँ ओलहोन आइलैंड में गया था वहाँ से कंपेयर करूँ तो। और मैं सोच रहा था चार दिन की ट्रेन जर्नी होगी, चार दिन और तीन नाइट का ट्रेन जर्नी है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी होने वाली है। लेकिन बाहर जैसे हम लोग सर निकाल के देखते हैं तो बस केवल आइस स्नो स्नो दिखता है। देखते हैं अभी तो आज कितना, दो दिन और एक रात ख़त्म हुआ है, अभी दो नाइट और दो दिन का ट्रेन जर्नी बाकी है हमारा, तो देखते हैं। अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना है। अब मैं नीचे आ गया हूँ, उमा जो सामान लेके आया है सामान खाते हैं हम लोग। उमा थैंक यू ब्रदर। ले चिप्स, चॉकलेट ऑल्सो, कुकीज, दो शावर, तीन शावरमा। अच्छा शावरमा ज्यादा हो गए तीन, मुझे लगता है आज तो हमें शावरमा ही खाना चाहिए फिर तो। अभी शावरमा खाना। हाँ 5 बजे शाम के और सब लोग सो भी गए यहाँ पे। देखो कोई ना, हम लोग हमारा खाना खाते हैं और बाहर है जो अंधेरा हो गया है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बस यही है ट्रेन का सफर, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, बातें करो बस, और कुछ नहीं। मूवी पड़ी हो आपके पास तो मूवी देख लो। ठंडा हो गया अब, कर लो, ओवन रहता ना लोग के पास। और अब मैं बैठा हूँ वीडियो एडिट करने। अभी शाम के बज गए 5:30, नेटवर्क होता नहीं है, कभी कभी नेटवर्क आता है, उसके से 10 मिनट के लिए जहाँ रुकते हैं वहाँ नेटवर्क आएगा और फिर से नेटवर्क चला जाता है। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ, आने वाले 3-4 दिन फिर मेरे को वीडियो एडिट करने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। रशिया सीरीज चल रही है अभी अपनी, बस थोड़ी देर में जो लोग जगे हैं ना वो भी सो जाएंगे। ये जो भाई जा रहा है ये आर्मी में है यहाँ पे। पहले बताओ खाओगे कितना तुम लोग? तुमसे ज़्यादा थोड़ा सा। हर एक घंटा होता नहीं है कि तुम कुछ ना कुछ? थोड़ा बहुत तो टाइम लिया करो, कम से कम 2-3 घंटे का टाइम तो दिया करो भाई खाने के बीच में। सबसे ज्यादा खाता है ये इंसान। ये देखो भाई मैं ऊपर हूँ भाई, मैं मेरे को नीचे आने में जोर आता है। सामान आ रहा ना उधर, ऊपर भी है पूरा सामान, इधर से लेके दे रहा हूँ। मेरे को यार ऊपर वाली सीट मिली है तो नीचे जाने में बड़ा ही जोर आता है मेरे को। गुड मॉर्निंग गाइस, ट्रेन जर्नी का 3rd दिन। ये देखो ये एक सिटी है, यहाँ पे हम लोग आके उतरे। रेलवे स्टेशन का नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन आज हमारी ट्रेन जर्नी का है 3rd दिन। 2 रात और 2 दिन तो हम लोगों ने बिता दिए ट्रेन पे, और 2 मिनट के लिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी है। बस ये लोग यहाँ पे स्मोकिंग करने उतरे हैं। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, कोई छोटा सा शहर लगता है मेरे को ये, हालांकि मैं बाहर नहीं जा सकता, केवल 2 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुका है। ये है यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम। पूरे के पूरे 2 दिन और 1 नाइट की ट्रेन जर्नी और बची है। उमा भैया मॉर्निंग, बस बाहर घूम के आया हूँ मैं तो। ये देखो सो रहे हैं आलसी, 10 बज गए, उठो उठो, 10 बज गए। वो देखो तन्मय, 3rd दिन की शुरुआत। तन्मय गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं तो ऐसे ही, खाना वाना भी लाते तो अच्छा होता है। 2 मिनट का स्टेशन है, 2 मिनट का हाल्ट है बस यहाँ पे। आज हमारा खाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है, ओट्स बचे हैं और एक आध नूडल के पैकेट बचे हैं, उधर भी खत्म हो गया है। पटेटो मैश पटेटो निकाले हैं और मौसमी निकाली है, तो मुझे लगता है आज तो हमें आज से बाहर से खाना लाना पड़ेगा बाहर जाके। और बाहर देखो कुछ ऐसा है, ये कोई छोटी सी जगह, धुंधला दिख रहा है यार बहुत ज्यादा। खाना खाते हैं, सुबह सुबह 10:30 बज गए हैं यहाँ पे, मौसमी खराब हो रही है भाई, खराब हो जाएगी वो एक आध दिन में, आज खत्म कर दो नहीं कल तक खराब हो जाएगी सारी। ये देखो भाई मौसमी हमारी खराब हो गई है, अंदर से पूरी दब गई है। ग्लास होते हैं इसमें आलू मेस पटेटो इसमें डाला हुआ होता है, इसको यहाँ तक भरना पड़ता है। अब मैं इसमें डाल के लाता हूँ गर्म पानी, गर्म पानी डालने के बाद यहाँ तक भर जाएगा।
यहाँ पे होता है गर्म पानी। ऐसा हो जाता है मैश पोटैटो पानी डाल के गोलने के बाद। और बाहर अभी पीछे एक रिवर निकल गया यार, वो रिवर पूरा जमा हुआ था, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में और कोई रिवर आया तो आगे। आज तीसरा दिन हमारा चलने, एकमात्र ऐसी रिवर मिली है जो जमी नहीं है, सारी की सारी रिवर जमी हुई थी। और यहाँ पे अभी टेम्परेचर -2, -3, -4 के लगभग है, ठीक है। अभी गूगल बता रहा है -2, तो जो गूगल बताता है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तो -3 या -4 इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये काफ़ी बड़ी सिटी है, यहाँ पे 2.5 घंटे का स्टॉप हमारी ट्रेन का, हम लोग बाहर जाएंगे KFC वगैरह, काफ़ी KFC बता रहे हैं यहाँ पे, खाना पीना खाएंगे। देखो सबसे पहले तो आपको उतरते ही रेलवे स्टेशन का नाम बताता हूँ। रेलवे स्टेशन का नाम है क्रासनोयार्स्क, और यहाँ पे मैक्सिमम पैसेंजर है यहीं पे उतर गए हैं। काफ़ी बड़ी सिटी है ये, यहाँ पे कम से कम भी ना तो 20-25 KFC है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर है -1°C, तो यहाँ पे ग्लव्स पहनने का जरूरत भी नहीं है, टोपा वगैरह पहनने का जरूरत नहीं है। देखो ओम्या कौन सी, -60 से हम लोग आ गए -1°C में, 59°C का डिफरेंस आ गया है। ट्रेन में चले जा रहे हैं भाई, 3 दिन और 2 रात तो हो गई, अभी हमें चलना है 1 दिन और 2 रात, आज की रात, कल का दिन और परसों की रात। परसों की रात इसलिए क्योंकि हम लोग जाएंगे ओम्स, और ओम्स के हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे कजाकिस्तान, तो वो रात भी हमें ट्रेन में निकालनी है और सेम ट्रेन जाएंगी कजाकिस्तान। ओके बाय बाय माय फ्रेंड। ये देखो गाइस क्या जबरदस्त मस्त वाली सिटी है, यहाँ तो क्या माहौल लग रहा है सिटी का, है ना, लाइट ही जल रही है। पहली है कोई ऐसी बड़ी सिटी मिली है, 3 दिन से हम लोग चले हैं। जो हमारा लॉन्गेस्ट स्टॉप था ना वो था 1.5 आवर का, और आज यहाँ पे है 2.5 आवर का, तो हम लोग बाहर आराम से जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं KFC जाना में, 3 दिन हो गए अच्छा खाना खाए। कल तो उम्मा बाहर जाके कुछ शोरमा वगैरह ले आया था, लेकिन वो भी इतना कोई खास ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो आज देखते हैं KFC में खाने का प्लान है। यहाँ से सामने से हमें कोई देखते हैं ट्रेम लेना है। अच्छी सिटी लग रही है यार, इर्कुत्सक याकुत्सक इन सब सिटी से मुझे बेहतर सिटी लग रही है अब तक की। खैर वहाँ पे ज़्यादा ठंड था, वहाँ पे जो चारों तरफ स्नो फैला हुआ था, इसलिए भी शायद मुझे वो सिटी पसंद नहीं आई हो, इर्कुत्सक याकुत्सक। ये वाला ट्रेम लेना है भाई, 30 नंबर बस। अब तक मैंने जो इर्कुत्सक और याकुत्सक के जो ट्रेन देखे थे ना वो बहुत ही खचाड़ा होते थे, खट 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 करके चलते थे, लेकिन ये वाला ट्रेन है ना, ये देखो पूरा LED लाइट लगा रखी है और काफ़ी भाई बहुत चमकता धमकता ट्रेन है ये तो। काफ़ी खुली खुली सिटी है और काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है ये। ये देखो यहाँ की बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, और यहाँ पे इतना स्नो भी नहीं है। बाकी रशिया की हर सिटी में जो रोड थी ना वो काफ़ी स्लिपरी थी, और वो सामने KFC आ गया। KFC का आप लोगों को बताया, रशिया में अभी सैंक्शंस लगे हैं, तो KFC का नाम बदल के यहाँ पे हो गया रोस्टिक्स, वो जा रहे हैं यहाँ का मेन रोड, उधर से ही आए थे हम लोग। सही में ये सिटी मेरे को बहुत पसंद आई यार। देखो ये है, पहले KFC हुआ करता था, काफ़ी जगह अभी भी KFC नाम है, लेकिन यहाँ पे कई कई जगह चेंज करके रोस्टिक्स कर दिया, तो चलो KFC मान लो, रोस्टिक्स मान लो। 1150 टोटल सामान हमें पड़ा है 1145 रूबल का, वो 1145 इंडियन रुपीज़ ही होते हैं। चलो खाते हैं भाई फटाफट और चलते हैं, नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। ठीक ठाक है, नाम चेंज कर दिया रोस्टिक्स, लेकिन यहाँ का मुर्गा लगता है थोड़ा ज्यादा तगड़ा है भाई। या कुसक में इर्कुत्सक में खाए थे ना, वहाँ के मुर्गे को पोलियो हो रखा था ऐसे लगता है। देखो बढ़िया मस्त वाली, अच्छा ये ऊपर ज्यादा लगता है, मसाला ज्यादा लगा दिया है ना। KFC में खाना हो गया है, KFC का खाना मुझे पूरे रशिया में कहीं भी पसंद नहीं आया भाई। अभी यहाँ पे 5:30 बजे शाम के, अंधेरा हो गया है 5:30 बजे। अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में शाम के 3 बजे है, 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है इंडिया में, और अभी हम लोग जहाँ रशिया में हैं वहाँ के टाइम में। अभी हम लोग यहाँ के सुपरमार्केट भी जाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे और फिर हमारी ट्रेन जर्नी वापस से स्टार्ट करेंगे। हम लोग अभी यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में थोड़ा सा सामान खरीदने आए हैं। यहाँ से तन्मय को लगी है लत भाई, इसको वोदका पीना है ना शेडी,
जब देखो तब वोदका वोदका वोदका। तो ये वाली वोदका हम लोग परचेज कर रहे हैं, ये है 319 रूबल का। 319 रूबल वही हो गए भाई, 319 इंडियन रुपीज। आ जा ले। और भी काफी सारा सामान खरीदा वैसे तो हम लोगों ने। देखो अभी हम 2 नाइट और 1 दिन का ट्रेन चलनी है। ये नूडल्स ले लिए हैं, बनाना ले लिए हैं, एप्पल, थोड़ा बहुत सामान हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी हमारी ट्रेन में, ये वाला सामान ले लिया सारा। जो टोटल सामान हम लोगों ने खरीदा था वो था 950 रूबल का, 950 रूबल 950 इंडियन रुपीज के लगभग ही होते हैं। ये है यहाँ का बॉक चाल, यहाँ पे रेलवे स्टेशन को बोलते हैं बॉक चाल। क्या जबरदस्त लग रहा है ना रात में रेलवे स्टेशन। मुझे सबसे अच्छी चीज यहाँ की लगी ट्रांसपोर्टेशन का, ये देखो यहाँ पे ट्रेन और बस सर्विस इतनी अच्छी है ना इस सिटी में, यार क्या बताऊँ। रेलवे स्टेशन के बाहर भी उन लोगों ने बैठने के लिए काफी अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, हर जगह इन लोगों ने चेयर लगा रखी है। वापस से हम लोग रेलवे ट्रैक पे आ गए और गलत ट्रैक पे आ गए हम लोग, हमारा रेल ये खड़ा और हम लोग आ गए इस वाले ट्रैक पे। जब ट्रेन यहाँ पे रुकी थी ना तब टेम्परेचर था -2 डिग्री, अब -4 के लगभग चला गया, सर्दी भी बढ़ गई है। क्या हुआ, क्या यार तुम्हें कोच का नहीं पता? अरे यार हमें डिब्बे का नहीं पता चल पा रहा। अभी 40-50 मिनट और हमारी ट्रेन चलने में, तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ट्रेन जर्नी तो बहुत लंबी है। अभी हमारे पास पूरा का पूरा 2 रात और 1 दिन की ट्रेन जर्नी बाकी है, आज की रात, कल का दिन और परसों की रात। तो इस वीडियो को तो यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि एक वीडियो में मैं पूरी ट्रेन जर्नी कवर करूँगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो रशिया की ट्रेन जर्नी अपनी लगभग 90 घंटे की ट्रेन जर्नी जो चल रही है, ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ट्रेन जर्नी के वीडियो में, क्योंकि इस ट्रेन जर्नी का मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग जाएंगे ओम्स के, फिर कजाकिस्तान जाएंगे, तो ओम्स से कजाकिस्तान का भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।